अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे वसीब के भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत ठीक है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो सर, ऐसे है कि आज आपको ये हरे भरे खेत नज़र आ रहा होगा तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है। सर, हम इस टाइम स्ट्रॉबेरी के खेत में मौजूद हैं और अब हम आपको स्ट्रॉबेरियाँ भी दिखाएंगे और यहाँ पे हमारे जो स्ट्रॉबेरी के ग्रोअर्स हैं उनसे भी बातचीत होगी और इंशाल्लाह आप अच्छा महसूस करेंगे। ये कितना खर्चा आता है, कहाँ से आती है, ये सारी बात हम अभी करते हैं। तो ये हमारे साथ दोस्त मौजूद हैं तो इनसे पता करते हैं तो इनका कितना खर्चा आता है। सर, आप अपना नाम बताएंगे? मोहम्मद सदीक। अच्छा। मोहम्मद अख्तर। मोहम्मद नदीम। मोहम्मद नदीम। अच्छा, ये बताएं सर, ये स्ट्रॉबेरी आप लोगों ने उगाई हुई है माशाल्लाह, कितना खर्चा आ जाता है? कितना? 8-10 लाख एकड़ का खर्चा है। ये किस टाइम लगती है, ये थोड़ा सा बता देंगे किस टाइम लगती है, कहाँ से पनीरी आती है? सर, ये 10वें महीने में लगती है, ये देर से आती है, 3 रुपए का एक पौधा है। अच्छा, 10 लाख एकड़ में खर्चा आता है टोटल। ये ना 10वें लगती है, 12वें में शुरू हो जाती है, फल इसका तैयार हो जाता है। अच्छा, ठीक है। और इसमें खाद वगैरह कौन सी इस्तेमाल करते हैं आप? खाद सर, नाइट्रो, गवारा, डीएपी, यूरिया, केमिकल, पोटाश वगैरह वगैरह। क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है? अब्दुल गफ्फार। अब्दुल गफ्फार साहब। अच्छा अब्दुल गफ्फार साहब, ये जो भाई कह रहे हैं कि 10 लाख फी एकड़ पे खर्चा आ जाता है, तो क्या इतना इस यहाँ से वापस भी आता है कि ये नुकसान तो नहीं होता? खर्चा आता है, अगर इसीलिए लगाते हैं तो वो वापस भी आता है, बारिश आ जाए, जो भी मसला है उसमें तो हो जाए, नहीं तो फसल अच्छी होती है, माशाल्लाह डबल भी होता है, ऐसी बात तो नहीं है नहीं होता पैसा। कितने महीने की फसल है ये? होती है 8 महीने की है ना, 6-7 महीने की होती है, नवंबर से शुरू होती है, मई तक जाती है, मई की 10 तक इनके ये सही रहती है, 10-12 तारीख तक ना, फिर उसके बाद लोग इसको रोटी फेर देते हैं और फसल लगाने की सोचते हैं। है स्प्रे है, जो भी है, ये चीजें महंगी हैं। हाँ जी, चाहिए गवर्नमेंट को पहले नंबर तो हर चीज का रेट डाउन होना चाहिए, तो ताकि ये भी आगे लेके जाए मंडी में, इसका रेट भी फिर डाउन हो। जब ये रेट तेज रखते हैं, जो आगे खरीदने वाला रेडी वाला, वो तो ऑटोमेटिक ही महंगा बेचेगा ना। ऑटोमेटिकली असर आवाम पे पड़ता है, गरीब आवाम पे, गरीब आदमी पे पड़ता है। जी नाजरीन, हमने आपको स्ट्रॉबेरी के खेत दिखाए, खेत में मौजूद लोगों से बात हुई, ग्रोअर से बात हुई। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होंगी। और स्ट्रॉबेरी किस तरह लगती है, कैसे ये लगी हुई है, ये भी आप लोगों ने देख लिया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो मैं एंड पे आपसे अल्लाह हाफिज़ करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। उस टाइम तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।